हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे हो और टाइम से अपना वर्क कर रहे हो और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आप जरूर रख रहे होंगे। तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स में वर्कशीट। तो इसमें अलग अलग तरीके से काउंटिंग, काउंटेंट मैच, काउंटेंट राइट, उसके बाद एडिशन, कुछ ऐसे फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन है, वर्कशीट्स हैं। ठीक है, तो आप एक ही में काफी सारी चीजें सीख सकते हो, तो लास्ट तक इसमें बने रहना। ठीक है, और सीखने की पूरी कोशिश करना प्यारे बच्चों। बस आपको क्या करना, ध्यान से सुनना है। ठीक है, वो तो आप अच्छे से कर सकते हो ना, सिर्फ सुनना ही तो है, और समझने की थोड़ा सा कोशिश करना है ताकि आपको कुछ परसेंट आपको जल्दी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, जैसे कि 1, 2, 3। ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिए हैं। सबसे पहले हम 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर हम 2 को, फिर 3, इस तरीके से हमें कंप्लीट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फिल इन द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द नंबर सिक्वेंस, यानी कि एक क्रम जो होता है हमारे काउंटिंग का आपको पता है। सबसे पहले जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पर 1, 2, 10 तक आपकी काउंटिंग लिखी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि अभी आपको सिर्फ इसमें 10 तक ही काउंटिंग चाहिए है, इसीलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 दिख रहा है। अब यहाँ पर भी 1 लिखा, तो 1 के बाद देखो आप वहां पर सर्कल खा लिया और उसके बाद 3 नंबर लिखा हुआ है, तो बीच में ये क्या नंबर है, ये 2। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर फिल करना इस तरीके से। उसके बाद क्या है, 1, 2, 3, अभी 3 है, ये रख दिए। अभी 3 के बाद ये क्या है, ये है 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 फिल करना है। अब 4 के बाद देखो क्या है, आफ्टर 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को फिल कर देंगे। अभी आप देख सकते हो 5 के बाद यहाँ क्या दिया गया, 6 दिया गया है, 7 भी है, 7 के बाद आप देख सकते हो ये 7 है, तो 7 के बाद ये क्या है, 8। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 लिख देना है। 8 के बाद आप देख सकते हो 9 फिल है, तो 9 के बाद क्या है, 10, 1, 0, 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। आप देख सकते हो कि इसमें हमने अभी क्या किया, 1 to 10 तक कंप्लीट यहाँ पर काउंटिंग लिख दी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो हमने 10 तक काउंटिंग की है उसमें आप देख सकते हो कि पहले 1 लिखा हुआ था, 1 के बाद जो डिजिट आती है, नंबर आता है, वो लिखना है। उसके बाद जो नंबर दिया गया है उससे आगे बढ़ो, जैसे कि यहाँ पर 6, 7 दिया गया, तो उससे आगे क्या आएगा, 8, 8 के आगे क्या आएगा, 9, 9 के आगे 10, इस तरीके से। अब हम सेकेंड ईयर शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट खाली है और यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर 2 यहाँ पर लिखा है, ये 2, तो 2 से पहले क्या आएगा, 1। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आफ्टर क्या आएगा, 3। अब यहाँ से भी देख सकते हो कि 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या आया है, 4। तो हमें क्या लिखना होगा, 4 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई बताएगा आप में से, 5 लिखा है ये। ठीक है, क्या लिखा है, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7, 7 के बाद आप देख सकते हो 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद क्या आएगा, ये क्या है, 9, 9 के बाद क्या था, 1, 0, 10। तो देखो ये भी हमने कंप्लीट कर ली, जो पहले में फिलअप छोड़े गए थे वो अब दूसरे में फिल किए हुए हैं, फिर इसमें फिर और भी कम फिल किए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पर 2, क्या लिखेंगे, 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 3,
थ्री, थ्री के बाद यहाँ पर फोर लिखा है तो क्या लिख देंगे हम यहाँ फाइव, जो कि हमने लिख दिया। फाइव के बाद क्या है सिक्स, सिक्स के बाद क्या आएगा सेवन, अभी सेवन के बाद क्या आएगा वो मुझे आप बताओ। अब तो हमने कंप्लीट करने वाले हैं, सेवन के बाद क्या आएगा एट के बाद नाइन, और नाइन के बाद क्या टेन, जो पहले ही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो हमने तीनों रो कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि क्या था फिल करने थे हमें मिसिंग नंबर्स जो थे वो, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ये इसमें। तो एक जैसे फिल अप कर दिया, जैसे कि अभी ये यहाँ पर दे दिया इस तरीके से, ये देखे हो आप। तो इसमें क्या है वन के बाद यहाँ टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद क्या है फाइव। तो ये क्या है कंप्लीट किया हमने क्या सीरीज, एक कर्म जो होता है जैसे यहाँ पर देखो ना सीक्वेंस, सीक्वेंस होता है वही कर्म, एक कर्म से जो चलता है। जैसे कि आप देख लेते हो ये जो काउंटिंग है बिल्कुल एक कर्म से चली हुई है, ये नहीं है कि वन के बाद यहाँ पर फाइव, नहीं फाइव के बाद ये नाइन, नो ये गलत है। तो ये क्या है एक सीक्वेंस, एक कर्म से चली हुई है कि वन के बाद हमेशा टू ही आएगा, टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये क्या है एक सीक्वेंस है। तो उसी तरीके से हमने इसमें ये जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से समझ आएगा, इसमें वन टू टेन तक की काउंटिंग थी मिसिंग नंबर्स के थ्रू था। जिस बच्चे को आ गया हो वेरी गुड, इसके बाद में प्रैक्टिस जरूर करना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कनेक्टेड डॉट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वन टू टेन तक की दी गई है काउंटिंग, वो एक ये इमेज बनेगी, किस चीज की बनेगी। अभी हम पहले काउंटिंग को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या था वन, ठीक है, वन के बाद क्या आएगा आफ्टर टू, टू के आफ्टर क्या था थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद क्या था सेवन, सेवन के बाद एट नाइन टेन। तो आपने अभी यहाँ पर देखा कि वन टू टेन डॉट्स है, हमने क्या किया मिला दिया और उससे यहाँ पर एक इमेज बन गई। अब इसमें हम कलर भी कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद है। जो भी आपने फर्स्ट वाला कलर सीखा उसमें भी जो मिसिंग नंबर्स थे उसमें भी क्या दिया गया था, सिर्फ टेन तक ही उसमें आपको दिया गया था, उसमें डॉट से जो कनेक्ट करना वो भी आपको टेन तक ही दिया गया। आप इसमें और अच्छे से कर सकते हो कलर, ठीक है। आपको जो भी कलर करना है आप वो कलर इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। अपनी पसंद से जो आपको कलर पसंद हो आप वो इसमें फिल कर देना, ठीक है। इसमें कलर कर देना है।
हैं इसमें ये, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट वर्कशीट है, इसमें करना क्या है आपको, एक तरफ कुछ फ्रूट्स यानी कुछ पिक्चर्स दी गई है, एक तरफ डिजिट दी गई है। पहले पिक्चर्स को काउंट करना है वन बाय वन और सही डिजिट के साथ, सही नंबर के साथ मैच करना, यानी कि मैच का मतलब होता है मिलान, ठीक है मैच। तो आप देख सकते हो काउंट करेंगे वन
ये कर दिया हमने फिर, अब ये है सिक्स, एक और इसमें भी करना है, ये भी सिक्स है इसमें भी करना है, बाकी किसी में नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। अब ऊपर आप देखो ये है एट, ये थ्री, ये नाइन, ये वन। तो आप प्यारे बच्चों देख सकते हो हमने सिर्फ एक ही नंबर में कलर किया है, वो क्या है सिक्स, बाकी किसी के अंदर हमने कलर नहीं किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इससे पहले वाला आपने देखा था कि पिक्चर्स काउंट करनी थी और डिजिट से मैच करना था, लेकिन अभी इसमें डिजिट फर्स्ट पे दी गई है और आपको इधर मैच करना है अब पिक्चर्स। ये जो है ये है वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, पता है आपको, वेरी गुड। अभी हमें पिक्चर्स काउंट करनी है और उसको मिलाना है। वन, अब देख सकते ये वन है तो पहले ही उन्होंने मिलाया है इस तरीके से, अभी हम मिलाएंगे टू। अब टू देखो किस बॉक्स में है, ये रहा टू, ये वन और ये टू, ठीक है, तो इसको मिला देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये थ्री, तो थ्री किस उसमें है, बॉक्स में है, काउंट करके बताइए जल्दी से, यहाँ देख सकते हैं ये वन टू थ्री, तो क्या करेंगे हम इससे मिला देंगे इस तरीके। अब अगला हम काउंट करेंगे फोर, अभी आप देखो फोर किस चीज में है पिक्चर्स, ये वन टू थ्री फोर, तो क्या करना होगा इसको, इससे मिलाना होगा, बिल्कुल इजी है, बस आपको ध्यान से डिजिट देखनी है और पिक्चर ये फाइव। अब यहाँ बॉक्स देख सकते हो आप, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमें क्या करना होगा इससे मिलाना होगा, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट ये रह गया, क्या है ये सिक्स नंबर, तो आप ये देख सकते हो सिक्स, ये वन ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमें क्या करना होगा इससे मिला देना, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया है, नंबर को देखा है, फाइंड किया है मतलब देखा पहचाना, और उसके बाद क्या किया पिक्चर्स के साथ मैच कर दिया, ठीक है ये किया। अब देख लीजिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे से, पूरा समझने की कोशिश किया करो प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जमा करना, तो करना ये है, ये थ्री सर्कल है, ये वन सर्कल है, ठीक है। पहले इस साइन से इधर जितने भी सर्कल होंगे वो नंबर लिखना है, फिर इस साइन से इस तरफ होगा वो नंबर लिखना, फिर दोनों को टोटल करना, ठीक है। देखिए काउंट कीजिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो थ्री हम इसमें लिखेंगे, हम फर्स्ट ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप प्लस का साइन देख रहे, ये रहा प्लस का साइन यहाँ, अब प्लस के साइन के लिए क्या है ओनली वन, तो हम लिख देंगे वन। अभी हमें ऐड करना है थ्री प्लस वन, तो हम इनको भी छोड़ देते हैं, हम सीधा क्या करते हैं जितने सर्कल देंगे उनको एक साथ काउंट कर लेते, आंसर आ जाएगा ये वन टू थ्री फोर। अगर आप थ्री प्लस वन करोगे तो भी फोर आएगा, वैसे स्टैंडिंग लाइन से करोगे तो भी फोर आएगा, फिंगर से करोगे तो भी फोर, वन टू थ्री और प्लस वन फोर। अगर आप टोटल इमेज जो टोटल सर्कल देंगे उन्हें एक साथ काउंट कर लो और आंसर लिख दो बस, आप देख सकते हो अगला वन टू, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा
टू, अब उसके बाद वन टू, ये टू, अभी टू प्लस टू इक्वल वन टू थ्री फोर, आंसर क्या आ गया हमारा फोर। अब नेक्स्ट देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, क्या है फाइव, तो हम क्या लिखेंगे यहां फाइव, और ये क्या है वन, तो हम यहां वन लिख देंगे। अब इनको टोटल एक साथ घंटा जोड़ लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पहले इनको अकेले अकेले काउंट करो ठीक है, और वो डिजिट लिख दो, फिर दोनों को इकट्ठा जोड़ लो, आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। ये है वन, कितना है वन, तो हम यहाँ वन लिखेंगे। उसके बाद में ये काम करो वन टू थ्री फोर, अभी ये कितने हुए फोर, अभी वन प्लस फोर इक्वल, अभी बताते हैं काउंट करके इकट्ठा करके, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमने टोटल इकट्ठा कर लिया था, कितना आ गया हमारा फाइव। अब ये काउंट करके वन टू थ्री, क्या है यहाँ पर थ्री, तो ये थ्री हमने लिख दिया। अब अगला काम करते वन टू थ्री, अभी ये थ्री भी हमने यहाँ लिख दिया। अब आप मुझे टोटल बताओ इनका करके, ये दोनों काउंट करो और मुझे टोटल आंसर बताइए जल्दी, प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। थ्री प्लस थ्री इक्वल टू, कितना आंसर आया आपका सिक्स, वेरी गुड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ आंसर ठीक है बिल्कुल। आप देख सकते हो थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर, टू प्लस टू इक्वल टू फोर, फाइव प्लस वन सिक्स, वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, तो हमारे लिए क्या है सारे सही है ठीक है। अब समझो जल्दी से, देख सकते हो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ आपको सर्कल से पहले इस तरफ के काउंट करने हैं, फिर सर्कल के उस तरफ के, दोनों के राइट और लेफ्ट दोनों काउंट करके आपने लिख दिए हैं, फिर दोनों को एक साथ इकट्ठा काउंट कर दीजिए ठीक है, आंसर अपने आप आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब आप देख सकते हो वहां कितने तक थे, वन टू टेन, अभी यहाँ वन टू ट्वेंटी तक है, ये ट्वेंटी है, टू जीरो ट्वेंटी, तो हमें फिल करना है। अभी वन के बाद क्या आएगा वहां पर बताइए जरा, टू, टू के बाद ये क्या है थ्री, थ्री के बाद क्या था फोर, फोर आफ्टर फाइव आफ्टर सिक्स, सिक्स के बाद यहां क्या लिखा है ये सेवन, तो सेवन के बाद क्या आएगा एट, एट के बाद यहां पर क्या लिखेंगे नाइन, नाइन के बाद यहां पर लिखा टेन, वन जीरो टेन, तो टेन के बाद की काउंटिंग शुरुआत करते हैं हम, वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टीन, यहाँ फोर्टीन मेंशन है, वन फोर फोर्टीन, तो यहाँ आ जाएगा वन फाइव फिफ्टीन, यहाँ क्या लिखा है वन सिक्स सिक्सटीन, तो यहाँ आ जाएगा वन सेवन सेवनटीन, और यहाँ वन एट लिखा ही हुआ है एटीन, तो यहाँ आ जाएगा वन नाइन नाइनटीन, टू जीरो ट्वेंटी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने फिल इन द मिसिंग नंबर्स कंप्लीट कर लिए 1 टू 20 तक, अब यहां पर हम लिख लेते
हमने ऊपर है, यहाँ हमने 4 को मिलाया है और इसको ये जो ये इसको 7 मिलाया है और ये 8, ये क्या था 6 और इसको हमने 3 से मिलाया और यहाँ हमने 5 से मिलाया। ठीक है, काउंट करते टाइम मिस्टेक मत करो, बस काउंट अच्छे से करो। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द करेक्ट नंबर बिलो। अब करना ये है, मैं बता देती हूँ, ये 1 2 3 4 रो है, ठीक है, यानी कि 4 जगह आपको पिक्चर्स दिखाई देंगे, उसके सामने 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर डिजिट भी दिखाई दे रही है। तो पहले आपको पिक्चर्स काउंट करनी है, 1 रो की काउंट कर ली पिक्चर सारी और देखो कितना टोटल नंबर आया है, और 3 रो में से जो सही हो सर्कल के अंदर उसमें आपको कलर कर देना है। अब आप देख सकते हो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4, टोटल क्या आया यहाँ पर नंबर 4। अब ये जो नंबर आप देख सकते हैं ये कितना है 3, तो इसमें नहीं करना। उसके बाद ये नंबर है 5, इसमें भी नहीं करना। ये है नंबर 4, करेक्ट बिल्कुल, तो इसमें हमें कलर करना है, तो इसमें हम इस तरीके से कलर कर देंगे, इसको सर्कल कर देंगे पूरे को कलर। ठीक है, इस तरीके से करना। अभी ये क्या है ओनली 1, तो यहाँ देख सकते हैं 0 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 1 है, तो 1 में करना। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये 1 ये 2, तो ये क्या है 4, नेक्स्ट वाला 5, तो 2 है ये, तो हम इसमें कलर करेंगे। नेक्स्ट ये 1 2 3, तो 3 आया, ये है 4, ये 2 और ये है 3, तो 3 में करना है। बस आप अलग काउंटिंग में ध्यान दीजिए, जैसे जो काउंट कर रहे हो उसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से पहचानिए नंबर्स की, आपको अच्छे से पहचान होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने पहले वाले में फर्स्ट में यानी कि 4 नंबर पे किया है टोटल, उसके बाद 1 सेकेंड रो में 1 पे किया है, थर्ड पर हमने 2 पर किया है, और नेक्स्ट वाले में 3 पे सर्कल आपके लिए किया गया। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से पॉइंट करना होता है, पहचानना है, उसके बाद में आप कलर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब ये ऐड करना है। आप देख सकते हैं नंबर पहले ही आपको दिए गए हैं, आपको टोटल करना है। एडिशन मैंने बताया था, जिस तरीके से पिक्चर्स दी गई हो तो पिक्चर्स को ही काउंट कर लो आप सीधे। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी 5। आप देख सकते हो 3 + 2 = 5, आपको डिजिट दे दी गई है तो टोटल इमेज आप कर दो, आंसर आ जाएगा। अब 2 + 2 पूछा गया तो अभी को ऐड करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 + 2 = 4। अब यहाँ 3 + 4 पूछा गया, 3 + 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आंसर आया 7, 3 + 4 = 7। आप वैसे करते स्टैंडिंग लाइन से तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 और 2 1 2, ऐड करो 1 2 3 4, तब भी 5 आता। ठीक है, 2 + 2 तो भी 4 ही आता, ऐड करने से 1 2 3 1 2 3 4, ऐड करो तो भी 7 ही आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर से हमें 5 जो है वो पहचानना है, 5 नंबर। आप देख सकते हो 5 नंबर लिखा हो यानी 5, सिर्फ उसी में सर्कल करना है, यहाँ से शुरुआत करो तो ये 5 है,
इसमें कलर कर देना है। इसके बाद ये 3 है, इसमें नहीं करना, ये 2 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 5, इसमें करना है। मैंने आपको ये पहले की 6 का समझाया है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, तो इसमें करना है। आप बस एक बार नंबर देखो और जल्दी से फिल करना शुरू कर दो। ये 5, बाकी नंबर देखना ही नहीं, सिर्फ 5 देखना है। इसके बाद 3 8 6, ये 5, ये 9, ये 7, ये 5। कितनी जल्दी फिल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी आपको करना है, बस ध्यान से करिए। 6 ये 0, ये 8, ये 5, ये 4, ये 9, ये 0, ये 5, ये 1, ये 5। अब नेक्स्ट वाला आपको देखते हैं, तो आप देख सकते हो हमने 5 नंबर है कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर बस अच्छे से पहचान होनी चाहिए नंबर्स की। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ऐड करना है उसमें से, फिर कुछ माइनस कर देना है, इस तरीके से है। तो पहले आप देख सकते हो ये कितना है, 1 2 3, फिर 1 है, फिर 1 है, और ऐड करना है। इसमें कोई माइनस का नहीं है, ऊपर वाले में नीचे वालों में है, तो हम इसी तरह ऐड करके लिख देंगे। ये 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया 5। इसमें कहा गया है टिक कि 3 + 1 + 1, ये 3, ठीक है, फिर 1+ करना है, फिर 1+ करना है, इस तरीके से। मतलब जो स्टैंडिंग लाइन है ना, उसको ले लीजिए आप, उसके थ्रू कर सकते हो। आप देख सकते हो ये माइनस का साइन दिया गया, माइनस, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, ये इसमें से घटाना, तो 0 है यहाँ पर, उसके बाद 0 में ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा बताओ। जब हम कोई भी चीज़ माइनस करते हैं या उसमें, बताइए यार क्या आंसर आएगा, माइनस का साइन ये है। जिसको पता हो इसका आंसर बता दीजिए, बताइए जल्दी। बाकी बच्चे तब तक ये वाला सोल्व करो। आपके पास 4 है, 4 में से आपको 2 माइनस करना है, जल्दी से कीजिए। इसमें थोड़ा ना आपको माइंड लगाना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल इजी थे। इसमें थोड़ा सा माइंड यूज कर लीजिए कि 1 और 1 दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ये 1, ये 1 है, तो 0 ही आ, ठीक है। उसके बाद 0 में क्या करना है, 3 ऐड कर देना है, तो क्या आएगा बताओ जल्दी। तो 3 ही आंसर आएगा यहाँ पर। अगर ये होता ना तो 0 आता, माइनस करना होता, अब ऐड का साइन दिया गया, यहाँ पर 3 ही आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 में से 2, ये 1 2 3 4 ले लो, और इसमें से 2 कट कर दो, ये 1 और ये 2 कट कर दिया हमने, तो कितना रह गया, 1 और 2 2, स्टैंडिंग लाइन रह गई, तो 2 आंसर आएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये 1 2 3, 3 में से मैं क्या कर रहा, 1 को माइनस करना, 1 2 3, 3 में से ये 1 हटा दो, कितने बच गए, 2, 2 में से अभी 2 और ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। क्यों, आपने 1 + 2 को आपने क्या किया, ये 3 आ गया, इस 3 में से आपने क्या किया, 1 को कट कर दिया, तो 1 और 2 बच गए, 2 बच गए। अभी ये तो हो गया ना, सॉरी इसको हटा दीजिए, अब ये क्या है, ऐड का साइन है, तो ये 2 और ऐड करने पड़ेंगे इस 3 में, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आंसर। अभी आप ये देख सकते हो कि 3 में से 2 माइनस कर दें, 1 2 3, तो हमने 2 ये माइनस कर दिया, तो 1 बच गया हमारा, देखिए 1 बच गया ना, ठीक है। तो 1 + ये 2 कितने हुए, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। इनको कट कर दो साइड से, ताकि आपको पता रहे कि हमने सॉल्व कर लिया ये वाला। अब इनको ऐड करना है सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कितना है ना, 8 आंसर। ये थोड़ा था ना ट्रिकी सा, इसमें थोड़ा माइंड का यूज ज्यादा हो रहा है ना आपका, अच्छी बात है। अब 1 2 3 4 में यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3 है, और साइन किसका, माइनस का है,
तो इसमें से हमें 3 कट कर रही हूँ, ये हमने कट कर दी, तो कितनी रह गई 1। जब 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 बचेगा। अब ये काउंट करना है, ऐड का साइन देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, देख लो आप, पहले में 5 आया, सेकंड में 3, थर्ड में 2, फिर नेक्स्ट में 4, 3, 8, 1, 8, आंसर आपके आए हैं यहाँ पर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो बीच बीच में किसी को माइनस करना है, किसी में फिर ऐड कर देना है, आपस साइन का ध्यान रखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है, देख लिया, आगे बढ़े। अब यहाँ नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हमें इसमें अरेंज करना है ये फीचर्स के थ्रू, ठीक है। अब देख सकते हो ये कितना है, ये काउंट करना है, ये 1, ये 2, कितना है 2, तो कहाँ है 2, ये रहा 2, तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, इसके सामने ये 2, ठीक है। अब नेक्स्ट काउंट करते हैं, ये 1, ओनली 1, तो ये रहा 1, हम इसको 1 को ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, कितना है 4, तो हम यहाँ देखो ये रखो, इसको कट करके यहाँ लिख देंगे। अब आगे काउंट करते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो अभी क्या करना होगा, 5 को कट करके यहाँ पर 5 लिख देना है। उसके बाद ये 1, 2, 3, इसको फिर हम 3 लिखेंगे। तो आप अच्छे से देख लीजिए क्या किया, पहले 1 वाले काउंट किया, 1, 2, तो यहाँ 2 आ गए, ये था 1, तो 1 यहाँ से नंबर दिए गए, मैं समय अच्छे से पॉइंट पहचान करके वहाँ पर लिखना था काउंट करके, ये 4, ये 5, ये 3, तो आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस इनका बना है, ठीक है। तो अब की क्लास में हमने देखे क्या क्या किया है, जो हमने अभी क्लास के उसमें हमने सीरीज जो सीक्वेंस था वो हमने किया 1 to 10 तक का, उसके बाद हमने कनेक्ट किए जो डॉट्स हैं इंच के थ्रू 1 to 10 तक हमने काउंटिंग इसमें कंप्लीट की। उसके बाद में ये मैच किया हमने पिक्चर्स को, कलर किया नंबर 6 में, फिर हमने विजिट को पिक्चर्स के साथ मैच किया, हमने फिर ऐड किया सर्कल से, ये जो स्मॉल सर्कल है, फिर हमने फील्ड द मिसिंग नंबर किया 1 to 20, और उसी के साथ हमने 20 तक काउंटिंग यहाँ पर लिखी हुई। उसके बाद हमने फिर से मैच किया है, उसके बाद हमने सही करेक्ट नंबर को सर्कल किया है, उसके बाद हमने एडिशन किया है, उसके बाद 5 नंबर पे हमने फिर से कलर किया है, उसके बाद फिर थोड़ा मतलब इसमें ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन थे, और उसके बाद हमने ये डिजिट यहाँ पर लिख दिया। तो आपको अच्छे से प्यारे बच्चों समझ आया, आपको अच्छा लगा क्लास लेकर, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और अच्छी चीज़ें जल्दी से सीख सको, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है।